जय माता दी। दोस्तों आज हम शेयर करने वाले हैं पानी पूरी का पूरी, बिल्कुल आसान तरीके से आपको मेजरमेंट के साथ बनाना बताएंगे। तो बिल्कुल इस तरह से हमारे पानी पूरी के पूरी तैयार होंगे, बिल्कुल कड़क अच्छे से। तो देखिए किस तरह के हमारे पानी पूरी के पूरी तैयार हो रही है, एकदम क्रिस्पी कुरकुरे। देखिए बिल्कुल इस तरह के मज़ेदार रेसिपी। तो गाइस बने रहिए हमारे वीडियो में। तो गाइस चलते हैं हम बनाने की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 kg आटा और उसमें हम 1 कटोरी यानी 100 ग्राम सूजी डाल दिए हैं। 1 किलो आटा में 100 ग्राम सूजी, और आटा हमारा चलानी आटा है, मार्केट से हमने लेके आए हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमें पानी डालकर थोड़ा थोड़ा इसको डो को तैयार करना है। तो डो हमारा ना ज़्यादा गीला हो ना ज़्यादा टाइट, तो कितना हमारा डो होना चाहिए जैसे आप पूड़ियों का आटा लगाते हैं, सेम उसी तरह का आटा लगाना है। तो इस तरह का आटा देखिए, इस तरह का इतना मुलायम होना चाहिए। तो अब हम इस आटे को एक पन्नी में इस तरह से लपेट के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे इस तरह से। उसके बाद हमें बनाने के लिए इस तरह का कटर चाहिए और बेलना, और उसके बाद हमें जिस पर बेलना है वो चीज़ चाहिए। जैसे हमने ट्रे लिए हैं और ट्रे के नीचे बोरी बिछा कर उसी पर ट्रे को रखे हुए हैं ताकि हमारा ट्रे इधर उधर भागे ना। तो उसके बाद हम लोइयाँ काटेंगे, थोड़ा थोड़ा लोई काटेंगे, 2 से 3 लोई जितना हमको बेलना है, बाकी आटा को हम उस तरह से ढक के रख देंगे। तो हम इसी में से हम लोइयाँ काटेंगे। तो लोइयाँ आप अपने हिसाब से काटना, जिस तरह के आपके पास बर्तन हो, जितना बड़ा साइज के बर्तन हो, ताकि उसमें आ जाए जब बेले आप फुल्की। तो हमारा इस तरह का कुछ लोइयाँ है, तो अब हम बेलेंगे इनको, पैथन की मदद से बेलेंगे। आप मैदा आटा या कॉर्नफ्लोर का भी पैथन यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपसे बने उस तरह से पैथन लगा के अच्छे से बेलना है। तो हमें न ज़्यादा पतला बेलना है न ज़्यादा मोटा, तो किस तरह होना चाहिए, बने रहिए हमारे वीडियो में। देख लीजिए इस तरह से हमारी बेलाई हो रहे हैं, न ज़्यादा मोटा रहेगा न ज़्यादा पतला। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे इस कटर की मदद से। 20 से 25 रुपए के लगभग मार्केट में मिल जाते हैं। इसमें कई साइज के अवेलेबल होते हैं, छोटा बड़ा जिस साइज का लेना चाहे आप ले सकते हैं कटर को। तो इस तरह से हम देख लीजिए इतना मोटा हमारा फुल्की है। अब हम इनको सारे फुल्की को इकट्ठे करेंगे और जो कटर है इसको रख लेंगे। ये देखिए जो कटन है हमारा, इसको बाद में बनाएंगे फुल्की। तो हम सारे फुल्की को ले रहे हैं इस तरह से। उसके बाद हमारे फुल्की इधर फैलाए जा रहे हैं, देखिए। तो पन्नी बिछा ले, उसके बाद उस पर फुल्की लगा के फिर पन्नी बिछा कर फिर फुल्की लगाए, इसी तरह लगाए। तो ख़ास बात का ध्यान देना है, अगर 1 किलो तक हो तो एक ही पर लगा सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा अगर फुल्की हो तो 2 भाग में करके फैलाए ताकि इकट्ठे पूरे एक बराबर फुल्की न हो। तो हमारे 1 किलो लगभग है फुल्की, तो हम इसी पे सारे फैला रहे हैं। तो अगर ज़्यादा हो तो 2 भाग में फैलाए। तो बचे हुए हम कटर को भी इस तरह से तैयार करेंगे फुल्की। अगर सूखा आटा लग रहा है तो हल्का सा पानी डाल सकते हैं, तो बट हमारा आटा ठीक है तो पानी नहीं डालेंगे। तो फिर से हम लोइयाँ काटेंगे जो बचे हमारे कतरन में। उसके बाद फिर से हम इनका फुल्की तैयार करेंगे। इसी तरह जब बचेगा कटर तो उसी तरह से फिर लोइयाँ बना के फुल्की को बना लें। तो अब हम इनको भी बेलेंगे।
तो सेम उसी तरह बेलना है जैसे हमने सारे पूड़ियों को बेले हैं। एकदम आसानी से बन जाने वाली यह पानी पूड़ी की रेसिपी है, आप ज़रूर बनाएं। फिर हम फुलकियों को कटिंग कर ले रहे हैं। बहुत आसानी से झटपट से बन जाते हैं ऐसे इन ट्रिक से। तो इसी तरह सारे हम पूड़ियों को कटिंग कर लेते हैं। फिर इसके बाद फ्राई की ओर चलेंगे। तो पहले सारे पूड़ियों को ही कटिंग करके इसको भी फैला लेते हैं। तो गाइस लास्ट में हमारा इतने आटे बचे हैं, अब हम इनको भी बेल लेते हैं। तो बेलने के बाद हम इस तरह से हमारे बेलाई हो चुके हैं। तो आप चाहे और भी फुल्की इनमें बना सकते हैं, लेकिन हम फुल्की नहीं बनाएंगे, हम इनका एक पूड़ी तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे फैला चुके हैं फुल्की को। अब इसको अच्छे से हम ढक देंगे। तो इसी पर हम ट्रे लगा के रख देंगे। 10 से 15 मिनट 20 मिनट हम रेस्ट कर लेंगे। तब तक जुगाड़ कर लेते हैं, तेल और रख लेते हैं, इंतजाम कर लेते हैं, तो फ्राई करेंगे इनको। तो इस तरह से हम ट्रे रखेंगे और इसको पलटेंगे। तो कैसे पलटना है देखिए। तो इस तरह से हमें पलटना है, देखिए ये इस तरह से, ताकि जो नीचे वाला था ऊपर हो जाए, ऊपर वाला नीचे हो जाए, ताकि फ्राई करने में हमें आसानी हो। तो अब हम फ्राई करेंगे सारे पूड़ियों को। तो हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। तो हाई फ्लेम पर फ्राई करें पूड़ियों को, इतना आँच तेज हो कि अच्छे से आप फ्राई कर सकें। तो उसी हिसाब से आँच को रखना है। तो इस तरह से हम पूड़ियों का फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए कितने शानदार हमारे पूड़ी तैयार हो रहे हैं, एकदम मस्त फटाफट। तो आप चाहे और बड़े कढ़ाई लेकर ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हैं। तो हम इसी तरह से फ्राई करते हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो अकेले ही सारे फुल्की को तैयार कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, परफेक्ट तरीके से अकेले ही बना सकते हैं इस तरह से फुल्की। तो सारे हमारे फुल्कियाँ फूल रहे हैं, कुछ फुल्कियाँ पचक भी जाते हैं, जो पतला हो जाते हैं, जो अच्छे से होते हैं वो सारे फुल्की फूलते हैं बढ़िया से। तो इस तरह से हम सारे फुल्कियों को फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद उलट पलट लेंगे हम, तो उलट पलट के पका के फिर फुल्कियों को निकाल लेंगे। तो कढ़ाई में आपका तेल कढ़ाई से आधा ही होना चाहिए, ताकि आपको हिलाते वक्त आपके तेल बाहर न जाए। तो हिलाना ज़रूरी है, जिस तरह से हम हिलाते हैं, बिना हिलाए फुल्की नहीं फूलते। तो हम इन सारे फुल्कियों को निकाल लेंगे। तो सेम यही प्रोसेस है। तो बचा हमारा लास्ट में पूड़ी, तो इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लंच, एक पूड़ी। तो बिल्कुल आसान तरीके से हमारा ये पानी पूरी की पूरी की रेसिपी तैयार हो गए हैं। तो सबसे आसान तरह से हमारे पूरी
पानी पूरी की पूरी बनके तैयार हुई है। आप भी बनाइए और खाइए, या बिजनेस से हो जो आप बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे पूरी फ्राई हो चुके हैं। देखिए इतने सारे पूरियाँ तैयार हुए हैं। इधर भी है डली में और इधर कुछ पन्नी में है। तो इस तरह से देखिए एकदम कुरकुरे हमारे पानी पूरी की रेसिपी है। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों।